अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से अल्लाह के फजल व करम से घरों में मौजूद होंगे। मैं हूं आपकी सिंधी की टीचर। तो जी बच्चों, सबक का आगाज़ करते हैं। आप भी अपनी किताब लेकर आ जाइए। जी बच्चों, सबक चौथून, चौथा सबक, सफ़ा नंबर है हमारे पास 12। सफ़ा नंबर 12 का सबक नंबर चौथा थे। पिछले हमने क्लास में जो पढ़ा था बे भे चार नुक्तों के साथ, तो ते चार नुक्तों के साथ आवाज़ निकाल रहा है। थे यानी दो लफ्जों से मिलकर सिंधी का ये लफ्ज बनाए थे। हियो थाल आहे, हियो थालो आहे, ये थाल है। हियो थाली आहे, हियो थाली आहे, ये थाली है। हियो थेलो आहे, हियो थेलो आहे, ये थेला है यानी बस्ता है। हिया थेली आहे, हिया थेली आहे, ये थेली है। हियो हथ आहे, हियो हथ आहे, ये हाथ है। हिया नथ आहे, हिया नथ आहे, ये नाक की बाली है, ये नाक की बाली है। जी बच्चों, हमने पढ़ा सबक थे यानी थाली, थे से थाली, थालो थाल, थाली थाली, थेलो बस्ता या बैग, थेला थेली, थेली हथ हाथ, नथ नाक। जी बच्चों, उम्मीद है कि आपको सबक नंबर 4 सफ़ा नंबर 12 आपको पढ़ाई में समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नए सबक पर। सबक पंजून और सफ़ा नंबर है हमारे पास 13। सफ़ा नंबर 13 का सबक नंबर 5 टे। क्या लफ्ज है ये टे? तीन नुक्तों के साथ उर्दू में टे। हियो टोपो आहे, हियो टोपो आहे, ये टोपा है। हिया टोपी आहे, हिया टोपी आहे, ये टोपी है। हिया टोकरो आहे, हिया टोकरो आहे, ये टोकरा है। हिया टोकरी आहे, हिया टोकरी आहे, ये टोकरी है। हियो टांगो आहे, हियो टांगो आहे, ये घोड़ा गाड़ी है। हियो टंग आहे, हियो टंग आहे, ये पैर है या टांगे। टंग को बोलेंगे टांग, पैर नहीं टांग। यो टंग आए, ये टांग है। जी बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये सफ़ा नंबर 12 और 13 पढ़ाई में समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसके अल्फाज और मायने बता देती हूँ। जी बच्चों, थे सिंधी में लिखा चार नोटों के साथ ऊपर थे, आवाज़ थे। थालो थाल, थाली थाली, थेलो बस्ता या थेला, थेली थेली, हथ हाथ, नथ नाक की बाली। अब हम आते हैं टे, सिंधी का टे और उर्दू में से टे की आवाज़ आएगी। टोपो टोपा, टोपी टोपी, टोकरो टोकरा, टोकरी टोकरी, टांगो घोड़ा गाड़ी, टंग टांग, टंग टांग। जी बच्चों, उम्मीद है कि आपको सबक नंबर चौथून और पंजून यानी सबक नंबर 4 और 5 समझ में आ गया। आप इसके बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अब आपसे टीचर इजाज़त चाहती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।